हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरपिल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुके हैं दोस्तों, बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों। तो हम इसके लिए वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, किस प्रकार से आप इसमें कैसे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, हम आज एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम देंगे दोस्तों, ठीक है, कि कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कौन सी बुक पढ़ें, कैसे कर सकते हैं दोस्तों, कितनी कट ऑफ जा सकती है। वैसे कट ऑफ कोई एक ऐसा मतलब कि परफेक्ट नहीं होता दोस्तों, मगर उससे 2, 4, 10 नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं दोस्तों। तो उसके बारे में हम अच्छे से बात करने वाले दोस्तों, तो बने रहिएगा। देखिए, आप जैसा कि आपको पता है कि आपके जो फॉर्म आए दोस्तों 2016, 2018 दो बार आए थे, ठीक है दोस्तों। जिसने 2016 में अप्लाई किया, 2018 में नहीं किया, उन्हें तो पेपर देने के लिए मिलेगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। और कितने पद थे दोस्तों, जेल वार्डन के 3012 पद थे, फायरमैन के 2065 थे, और घुड़सवार के भी आए थे दोस्तों 102 पद दोस्तों, ठीक है। आपको पता है जेल वार्डन की जो जॉब होती है दोस्तों, जेल में लगती है, ठीक दोस्तों। और ये क्या करता है, कैदी देख रेख करता है, और ठीक दोस्तों, इसी प्रकार के से कार्य होते हैं, ठीक। उसके अलावा फायरमैन क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो गाड़ी होती है जब आग लग जाती है दोस्तों, तो उससे क्या होता है, उससे आग बुझाने के कार्य इनका होता है। चलिए और देखते हैं दोस्तों, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले चीज़ कितने फॉर्म भरे गए थे दोस्तों, आपको पता है पेपर 19-20 दिसंबर को होना दोस्तों, फॉर्म लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा ही भरे गए थे दोस्तों, ठीक। पेपर कहाँ होंगे उसके बारे में आपको पता है कि एक आपका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था दोस्तों, कि आपके आसपास के शहर, जैसे 10 शहर चुने गए थे दोस्तों, ठीक है, आपके आसपास के 10 जिले चुने गए थे दोस्तों। जैसे कि कौन कौन से जिले, वो आपको बता दें दोस्तों, जैसे आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दोस्तों। तो ये जिले हैं दोस्तों, 10 जिले, इन्हीं में पेपर आयोजित होंगे। जैसे दोस्तों आपका, आपके आसपास लखनऊ पड़ता है, हो सकता है आपका लखनऊ डाल दे, जैसे हमारा रायबरेली जिला है, तो हो सकता है अगर रायबरेली किसी ने डाला होगा दोस्तों, तो उसका लखनऊ भी जा सकता है, ठीक, प्रयागराज भी जा सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से सेंटर बना देंगे, ज़्यादा दूरी नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों कोरोना का टाइम चल रहा है दोस्तों, ठीक है, आने जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रही है दोस्तों, ठीक है। देखिए कितने केंद्रों पर होंगे दोस्तों, तो आपको पता है 10 जिलों में टोटल 401 केंद्र बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। और संपूर्ण पेपर कितने पाली होंगे, 4 पाली होंगे। देखो 19 तारीख को भी दो पेपर होंगे, और 20 को भी दो पेपर होंगे, यानी टोटल 4 पेपर होंगे, यानी 4 पालियों में संपूर्ण पेपर करा दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक। ये भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन सही हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों, क्या पढ़ना है, यह भी आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों। देखिए, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान हिंदी पर देना दोस्तों, क्यों देना है इसका भी एक रीजन है दोस्तों। देखिए हिंदी, हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है, अगर इसको हम थोड़ा सही से पढ़ लेते दोस्तों, तो 37 क्वेश्चन आएंगे, 37 में से हम 35 तक भी कर सकते हैं दोस्तों, 35-36 तक भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, पूरे पूरे भी ला सकते हैं हिंदी, क्योंकि बहुत ही ईजी होती है दोस्तों। देखिए हिंदी बहुत ईजी होती है दोस्तों, और इसी में क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम मतलब पूरे अटेंड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। इसलिए आपको हिंदी बहुत अच्छे ध्यान देना दोस्तों, हमने बताया था दोस्तों इसके, इसीलिए हम इसके क्या रोज टॉपिक वाइज पूरा लेकर आते हैं दोस्तों, टेस्ट एक टॉपिक का उठाते हैं दोस्तों, उसका पूरा टेस्ट लेकर के आते हैं दोस्तों। अगर आप नहीं देखा था, वहाँ प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा हर एक टॉपिक का अलग अलग लेकर, जैसे हमने संज्ञा कलाए हैं, ठीक, सर्वनाम कलाए हैं, क्रिया कला चुके हैं, विशेषण कलाए गए, ठीक दोस्तों। इस तरीके से एक अलग अलग टॉपिक का अलग अलग मॉक टेस्ट हमने करवाया दोस्तों। उसके फिर अलावा दोस्तों रीजनिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना, रीजनिंग दोस्तों, ठीक है। अगर आपकी मैथ कमजोर, कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैथ में अगर कुछ भी आप कर लेते हो, थोड़ा बहुत कर लेते हो, आपका आप क्या हो सकते हो, सिलेक्टेड हो सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से आपको देखिए जीएस में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक, क्योंकि जो पिछली बार पेपर हुए थे दोस्तों, उसमें आपने देखा होगा दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में उत्तर प्रदेश से ही भरे हुए थे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों। और इसके बारे में बता दें दोस्तों, आपको कहीं जाना नहीं दोस्तों, ठीक है, हम करवा रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले प्लेस में जाएंगे दोस्तों। हमने क्या किया दोस्तों, कि हर एक मंडल, टोटल 18 मंडल है दोस्तों, ठीक है, तो हमने हर एक मंडल के बारे में पढ़ाने का सोचा दोस्तों, जैसा कि हमने 3 मंडल के बारे में पढ़ा भी दिया दोस्तों, सहारनपुर मंडल। अब देखिए जो मंडल के बारे में पढ़ाते हैं दोस्तों, उसमें हम क्या करते हैं कि उनके जो जिले आए, जैसे सहारनपुर मंडल में 3 जिले आते हैं, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दोस्तों, तीनों जिलों के बारे में बहुत विधिवत पढ़ाते हैं दोस्तों, कि इस जिले की क्या विशेषताएँ हैं, और यहाँ पर पहली बार क्या हुआ, या फिर यहाँ ये फेमस किस लिए दोस्तों, कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तीनों जिलों के बारे में हमने पहले बताया, फिर दोस्तों बांदा के बारे में, फिर चित्रकूट धाम के बारे में, मतलब हर एक मंडल के बारे में हमने सोचा था पढ़ाने के लिए दोस्तों। हो सकता है आपके
जेल वार्डन पेपर तक हम इसे पूरा कंप्लीट भी करते हैं दोस्तों। अगर नहीं भी कंप्लीट कर पाते दोस्तों, तो हम इंपॉर्टेंट जो भी हैं जिले दोस्तों उनके बारे में जरूर आप तक मैसेज पहुंचा देंगे दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी दोस्तों। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ लीजिएगा। देखिए, हमने इन्हीं चीज़ों के बारे में क्यों बोला है कि आप इनको अच्छे से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी के 37 क्वेश्चन होंगे दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी को आपको क्या करना, बहुत ही अच्छे से पढ़ना दोस्तों। आपको अगर अभी भी किसी मतलब दिक्कत है किसी भी चैप्टर में दोस्तों, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाएंगे दोस्तों, वहां पर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, किसी भी प्रकार की हमने एक ही मैराथन पढ़ा रखा दोस्तों, मैराथन क्लास हिंदी की देखी जाके दोस्तों, जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है वहां जाइए, उसमें देखिए और उसी सब कुछ लर्न कर लीजिए दोस्तों। वही सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ठीक है, सामान्य ज्ञान में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहली चीज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लेना है, संविधान अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों, और उसके अलावा दोस्तों यूपी स्पेशल, और उसके अलावा करंट अफेयर। करंट अफेयर में दोस्तों उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर अगर हो सके तो पढ़ लेना। वैसे हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों, एक आध दिन में हम आपको आपके समक्ष लेकर के आ जाएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर दोस्तों, जो कि टॉप इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, वही क्वेश्चन हम उसमें शामिल करने वाले दोस्तों। ठीक है, अब देखिए गणित के कितने क्वेश्चन होते हैं, 38 क्वेश्चन होते हैं, मगर दोस्तों अभी तक जो पेपर हुए हैं हमने देखा उसमें केवल 18 क्वेश्चन दोस्तों मैथ का पूछा थे, और जो इसके 20 क्वेश्चन बचते हैं दोस्तों वो आपके रीजनिंग में डाल दिया जाते हैं। ठीक दोस्तों, वो रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों, जैसे कि रीजनिंग के 37 क्वेश्चन होते हैं, मगर मैथ के अगर 18 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो रीजनिंग कितने हो जाते हैं, लगभग 57 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, कितने 57 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, देखिए अब देखिए, अगर मैथ आपको बिल्कुल भी नहीं आती दोस्तों, अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आता है जिस प्रकार से पहले आ रहा था दोस्तों, देखिए मैथ केवल और केवल कितने 18 क्वेश्चन, 18 में से आपने अगर 10 भी कर लिए दोस्तों, 8 या 10 कर लिए दोस्तों, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रीजनिंग में आपको देखिए, रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, रीजनिंग और हिंदी पे आपको ज़्यादा ही ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। उसके अलावा आपको यूपी स्पेशल और करंट अफेयर दोस्तों, करंट के 2-3 क्वेश्चन देखने मिल ही जाएंगे दोस्तों, और हो सके तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना, कॉन्स्टिट्यूशन से भी 2 क्वेश्चन आपके आने तय हैं दोस्तों। कितने 2 क्वेश्चन आपके आने तय हैं दोस्तों। देखिए, जो आपका आपका यूपी स्पेशल होगा दोस्तों, वहां से आपके एक जिला एक उत्पाद से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों, वैसे अब पुराना हो गया शायद ना पूछा जाए, मगर फिर भी आपको पढ़ करके चलना है, क्योंकि पिछली बार पेपर में हर एक पेपर में एक जिला एक उत्पाद से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से, देखिए हमारे हिसाब से आप रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयार कर लें, और हिंदी, ये दोनों सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करने की, हिंदी में आपको पूरे का पूरा टारगेट करके चलेगा, 37 से कम 35 क्वेश्चन आपको करना ही करना है दोस्तों। ठीक, वहीं रीजनिंग में अगर 55 क्वेश्चन आते हैं, 57 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको 45 प्लस क्वेश्चन अटेंड कर देना दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास साबित होंगे दोस्तों। और जीएस में देखिए, अगर जीएस में आप 20 से 22 प्लस क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा दोस्तों स्कोर है। ठीक है, वो तो पेपर को पढ़ो दोस्तों, पेपर किस तरीके से बनाना ज्यादा सरल होगा दोस्तों, तो आप के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, मगर उससे क्या होगी कि मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई जा सकती है दोस्तों। ठीक, तो ये चीज़ें थी दोस्तों, किस प्रकार से आप मतलब किस विषय पे ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि पेपर कैसा होगा, आपको पता ऑफलाइन होगा दोस्तों पेपर, और कितने घंटे होता है, 2 घंटे पेपर होता है दोस्तों। ठीक है, कितने घंटे का पेपर होगा दोस्तों, आपको पता है 2 घंटे पेपर होगा, और कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के होंगे दोस्तों। निगेटिव माइनस मार्किंग होगी, मतलब माइनस मार्किंग भी होगी दोस्तों। ठीक है, 1/4 माइनस मार्किंग हो गई है ना, 25% कटेगा, यानी 1/4 मतलब 25% नंबर काट दिया है, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपका आधा नंबर क्या होगा, उड़ा दिया जाएगा दोस्तों, काट दिया जाएगा। अब देखिए पढ़ाई कैसे करें दोस्तों, हमने बताया कि पढ़ाई कैसे करनी है दोस्तों, कि अब आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, कि आप बहुत अच्छे से सिलेबस पूरा करते हो। हाँ, मान लिया अगर किसी चैप्टर में दिक्कत है, तो देखिए अगर मान लिया हिंदी किसी भी चैप्टर में दिक्कत दोस्तों, आप जाइए मैराथन क्लास हमारी पढ़ी है दोस्तों, उसको ले लीजिए आपकी इच्छा अनुसार है, या फिर आप कहीं से पढ़ सकते हैं अगर आपने पहले से नोट्स बनाए दोस्तों, क्योंकि अब ज़्यादा हमें एक तरफ से पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब रिविजन करना है दोस्तों। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, रिविजन करें है ना, और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश के लिए आपको बता दिया कि हम पूरे 75 जिले मतलब देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर टाइम मिले तो हम पूरे 75 जिले कंप्लीट करवा देंगे दोस्तों, तो उसके बारे में आप यहीं से पढ़ सकते हैं दोस्तों, उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, एक बार जाकर जरूर देखेगा, वीडियो बहुत अच्छी बनाई दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए कितने नंबर तक स्कोर मतलब सेफ रह सकता है दोस्तों। ठीक है, मेरिट मतलब कितने क्वेश्चन आप कर देते हैं, तो आपका क्या होगा, स्कोर लगभग सेफ माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए वैसे ये चीज़ क्या है, कट ऑफ एक मतलब हम मतलब एकदम सियोरिटी से नहीं कर सकते दोस्तों, कुछ नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके लिए गाली मत दीजिएगा। ठीक, तो हम बता सकते हैं दोस्तों, देखिए एक सेफ स्कोर होता है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट मतलब टारगेट करके चलता कि हाँ इतने नंबर अगर हम पा गए, तो मतलब एक सियोरिटी होनी चाहिए ना, कितने नंबर तक अगर हम पा गए तो शायद हमारी नौकरी लग जाएगी दोस्तों। तो देखिए सामान के लिए
105 प्लस के, है ना, 105 से प्लस ही मानिएगा दोस्तों, इससे कम नहीं है, ठीक है। 105 से प्लस यानी 105 से 110 के बीच अगर आप क्वेश्चन सही से कराते दोस्तों तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना कि अगर ओबीसी से कैटेगरी से दोस्तों आप, है ना, ओबीसी कैटेगरी से दोस्तों, तो आपको 100 प्लस दोस्तों 100 से 105 क्वेश्चन के लगभग आपको पूरे सही तरीके से करने दोस्तों, ज्यादा गलत नहीं करना, ठीक दोस्तों। और अगर एससी से है दोस्तों तो 95 प्लस, अगर एसटी से है दोस्तों तब भी 92 प्लस आपको करना दोस्तों। अगर बात करते गर्ल की दोस्तों, तो गर्ल भी एक दो क्वेश्चन ही नीचे होता दोस्तों। देखिए गर्ल की और जो पुरुष है दोस्तों, उनकी मैरिट ज्यादा नीचे ऊपर नीचे नहीं होती दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर गर्ल क्वालिफाई नहीं हो तो उन्हें दोबारा से भी मैरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है दोस्तों। आपको पता होगा कि यूपी पुलिस में 3 बार गर्ल के लिए गर्ल को बुलाया गया था, ठीक दोस्तों। कि देखिए पहली बार जो कुछ लड़कियां बुलाई गई वो क्वालिफाई नहीं कर सकी, दौड़ नहीं सकी दोस्तों, फिर दोबारा उनकी मैरिट लिस्ट जारी की गई और फिर से तिवारा फिर से उनकी मैरिट लिस्ट जारी की गई दोस्तों। गर्ल के लिए चिंता करने वाली बात नहीं है, पहली मैरिट नहीं जाती दोस्तों, फिर उसके बाद फिर मैरिट ड्रा करके दोस्तों उनको बुलाया जाता है दोबारा तिवारा, तो इस तरीके से तो गर्ल के लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि थोड़ा अगर मेहनत अच्छे से कर लोगे दोस्तों आप लोग को होना निश्चित है दोस्तों, ठीक है। तो सबके लिए है कि दोस्तों कम से कम आप 100 के प्लस जाइए, ठीक, टारगेट अपना एक थोड़ा सा इससे ऊपर रखिए, क्योंकि दोस्तों पता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ज्यादा निगेटिव मत करिएगा दोस्तों, ठीक है, आप ज्यादा गलत क्वेश्चन मत करिएगा। आप भले ही आप श्योर से दोस्तों 105 करते हैं दोस्तों, तो 105 में गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया आप 150 क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं दोस्तों, उसमें से अगर आपके 120 क्वेश्चन सही होते हैं, अगर 30 गलत हो गए दोस्तों तो आपका कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पहली चीज़ तो 30 के माइनस मार्किंग से मिस कर जाएंगे दोस्तों, और उसके बाद फिर आपका जब नॉर्मलाइजेशन होता है दोस्तों उसमें आपको फायदा बहुत ही कम मिलता है दोस्तों। इसलिए गलत क्वेश्चन ज़्यादा मत करिएगा दोस्तों, एक अपने सिक्योरिटी तरीके से अच्छे से करिएगा दोस्तों, गलत क्वेश्चन आपको ज़्यादा अटेंड नहीं करना है दोस्तों। चलिए आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, अगर देखिए आप बात करते हैं प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए दोस्तों, देखिए प्रैक्टिस सेट लीजिए और आप एक अच्छे तरीके से बैठिए दोस्तों, जैसे कि आपको परीक्षा अभी देना दोस्तों, एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए दोस्तों, उसका आपको क्या करना है कि टाइमिंग लगा लेना दोस्तों, और एक आपको क्या करना है गोला भरने वाला ओएमआर सीट भी लेकर के बैठना है, ओएमआर सीट भी लेकर के बैठना दोस्तों, और उसे समय के अनुसार दोस्तों आपको देखना है करना है ओएमआर सीट भरना है दोस्तों, क्योंकि देखिए ओएमआर सीट भरने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेने दोस्तों, नहीं तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत बार क्या करते हैं लोग सब कुछ तो सही कर देते हैं मगर ओएमआर सीट भरने में गलती करते हैं दोस्तों, और उसी की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लेना दोस्तों, उसका ओएमआर सीट आप कहीं से जाएंगे दोस्तों, किसी भी साइबर कैफे से दोस्तों, वहाँ से आप ओएमआर सीट निकलवा सकते हैं दोस्तों, आसानी निकल जाएगा दोस्तों, और उस पर आप पूरा फिल करिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से आप परीक्षा में बैठ कर समय देते हैं दोस्तों, पूरा टाइमिंग लगा करके उतने समय से जल्दी में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और देखिए आपके हिसाब से कितना जा सकता है दोस्तों, कितना कम या ज़्यादा जा सकता है दोस्तों, मैरिट आप हमें बताइएगा दोस्तों जरूर। और देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम दोस्तों, हम देखिए प्रैक्टिस सेट रोज लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, जेल वार्डन फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट, आप जाइए दोस्तों प्लेलिस्ट पे जाइए दोस्तों, इस प्रकार से मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जाइए और यहीं पर प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, आपको टॉपिक वाइज हिंदी टेस्ट मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ पर देखिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हमने पूरा विस्तार पूरा बताते हैं दोस्तों, तो उसमें टॉप 30 या 35 क्वेश्चन लेकर के आते हैं दोस्तों, जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं दोस्तों, तो उसे हम देखते हैं। इसके अलावा हिंदी के मैराथन वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगे, हिंदी के मैराथन क्लास आपको यहाँ मिल जाएंगे दोस्तों, जाइए मैराथन क्लास देखिए, और जब नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको यूपी उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों इस प्रकार से मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर जाइएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमने पहले टॉप 20 क्वेश्चन करवाए दोस्तों, अभी हाल ही में क्या करते हैं दोस्तों एक मंडल के बारे में दोस्तों बताते हैं, 3 वीडियो हम डाल चुके हैं और ये वीडियो निरंतर आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों, तो चलिए जाइए एक बार देखिए दोस्तों, उसका हम लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखिए, थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है कितनी मैरिट जाएगी दोस्तों, किस प्रकार से पढ़ना, अगर आपको पता है दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।